दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इस मैच में हमें एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ने विराट कोहली के साथ एक बेहद ही घटिया हरकत की, लेकिन फिर कोहली ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जिसे देख कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर ने भी इस पर चौंकाने वाला बयान दिया। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी विराट कोहली के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सेंचुरियन में जिस टीम इंडिया को महज 3 दिन में बुरी तरह हार झेलनी पड़ी थी, अब उसी टीम ने केपटाउन में दमदार वापसी की है। केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इतना कमाल प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई। दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में सिर्फ 55 रनों पर ऑल आउट हो गई। आपको बता दें, ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत का किसी भी टीम के खिलाफ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। पूरी साउथ अफ्रीकी टीम को मोहम्मद सिराज ने अपनी स्विंग और पेस के दम पर ढेर कर दिया। दाएं हाथ के इस पेसर ने ऊपर के 6 में से 5 बल्लेबाजों को अकेले ही ढेर कर दिया। सिराज ने सिर्फ 9 रन पर ही अपना 5 विकेट हॉल भी पूरा कर लिया। इसके बाद उन्होंने वेरेने को भी आउट कर अपने टेस्ट करियर का बेस्ट प्रदर्शन हासिल किया। सिराज ने सिर्फ 15 रन देकर 6 विकेट लिए। सिराज के अलावा बुमराह और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट हासिल किए। साउथ अफ्रीकी टीम का हाल इतना बुरा रहा कि उसके 2 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि यशस्वी जायसवाल कुछ कमाल नहीं कर पाए और खाता खोले बिना ही 3rd ओवर में आउट हो गए। हालांकि इसके बाद भी रोहित ने अपनी तेज बल्लेबाजी जारी रखी। वहीं शुभमन गिल ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। दोनों ने मिलकर 14 ओवर में ही टीम को 70 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन फिर 15वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने रोहित शर्मा का विकेट झटक लिया। रोहित ने 50 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली और इस तरह भारत को दूसरा झटका लगा। वहीं दोस्तों इसके बाद जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए तब हमें एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने विराट कोहली के साथ एक बेहद ही घटिया हरकत कर डाली, लेकिन फिर कोहली ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल नांद्रे बर्गर ने जैसे ही पहली गेंद कोहली को डाली तो कोहली ने उस गेंद को डिफेंड किया और बर्गर ने उस गेंद को उठाकर कोहली की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रुक गए। उसके बाद बर्गर कोहली को गुस्से में घूरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हें गेंद से मारना चाहते हैं। हालांकि यहां पर कोहली का रिएक्शन देखने लायक था। कोहली बर्गर की इस हरकत पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक स्माइल दिया जो देखने लायक था। उसके बाद बर्गर भी आगे कुछ कह नहीं सके। हालांकि इसके बाद कोहली ने बर्गर को लगातार 2 चौके जड़कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पहला चौका तो आउटसाइड एज से आया, लेकिन दूसरा चौका कोहली ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर पाया। इसके बाद कोहली ने अगले ओवर में और 2 चौके जड़े। कोहली की बल्लेबाजी देख नांद्रे बर्गर की भी बोलती बंद हो गई। वहीं इस वाकये को देख कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर ने कहा, नांद्रे बर्गर यहां बेफालतू कोहली को उकसा रहे हैं, इससे उनका ही नुकसान होने वाला है और ये हमें देखने को भी मिला। कोई अगर कोहली को स्लेच करता है तो वो और खतरनाक बनते हैं और यहां नांद्रे बर्गर ने कोहली को स्लेच कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। हमें अब कोहली का बेस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या आप भी गौतम गंभीर की बात से सहमत हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।